13th question. The subshell that arises after F subshell is called the G subshell. Okay. How many electrons may occupy the G subshell? ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं जी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स बताने के लिए आपको पहले ऑर्बिटल्स बताने पड़ेंगे. ठीक है, और उसके लिए हमें पता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम किससे निकालते हैं. 2l+1 से. अब जी एफ के लिए एल की वैल्यू होती है 3 और जी के लिए एल की वैल्यू होती है 4. तो निकालो 2 × 4+1, दैट मीन्स 9 ऑर्बिटल्स हैं किसके पास, डी के पास. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए 2 × नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी 2 × 9 विच गिव्स अस 18. सो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जी के सबशेल में. टोटल सबशेल में ही पूछा है, ठीक है, आंसर आ जाएगा 18. ठीक है, ओके.